तोता ने माता सीता को क्यों दिया भयानक श्राप। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को चुपकारक पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता भी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और साफ दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। इसलिए सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।